कोरोना के मद्देनजर सरकार ने जहां सभी त्योहारों को सादगी से मनाने की गाइडलाइंस दी थी, चाहे वह गणेश उत्सव हो, नवरात्रि हो या ईद हो, लेकिन हर साल की भांति इस साल छठ पूजा मनाने की अनुमति सरकार द्वारा नहीं दी गई है। सरकार के दिए गए गाइडलाइंस के अनुसार इस साल घर में ही छठ पूजा मनाने की अनुमति दी गई है, जिसको लेकर उत्तर भारतीयों में नाराजगी देखी जा रही है। उनका कहना है कि जिस तरीके से सरकार ने सभी त्योहारों को सादगी से मनाने की गाइडलाइंस दी थी, उसी तरीके से हमें भी दी जाए। देखिए नालासोपारा से अदिति सिंह की ये रिपोर्ट। इस वक्त हम नालासोपारा के तालाब परिसर के पास उपस्थित हैं, जहां पर हर साल छठ पूजा को लेकर काफी धूमधाम होती थी, काफी भीड़ दिखाई देती थी, लेकिन इस बार यहां ऐसा कुछ भी देखने नहीं मिल रहा है। हालांकि उत्तर भारतीयों के लिए ये छठ त्योहार जो है ये एक बहुत ही बड़ा मुख्य त्योहार होता है उनके लिए, उनकी एक आस्था जुड़ी होती है इस त्योहार के साथ, जिसे सरकार ने मनाने पर सामाजिक स्थानों पर मनाने पर मनाही की है। इससे उत्तर भारतीयों में काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। हम लोग छठ पूजा के लिए जब अरे भूखा रहते हैं, तीन दिन हुआ व्रत रहते हैं, तो हमको क्यों नहीं यूपी वाले मनाते हैं तो वहाँ यहाँ वाले मनाए, यूपी वाले क्यों नहीं मनाने दे रहे हैं? हाँ, गणपति पे दिए, चौथा पे दिए, दुर्गा पूजा दिए, हर चीज़ का बनाए कि ऐसा ऐसा पालन करो, हम लोग भी वही पालन हम लोग के दे ना, छठ पूजा तालाब खोले ना, तो हम लोग भी मनाए अपना अपना त्यौहार। हाँ, छठ पूजा के लिए कोई साधन नहीं है, गणपति मना दिया गया, सब कुछ मना दिया, हमारा छठ पूजा रोक दिया गया है, वहाँ गटर पर खड़ा नहीं होने दे रहे हैं, कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई साधन नहीं है, हम लोग 3 दिन अन्न पानी से उपासे रहते हैं, कुछ हम लोग को नहीं परिवर्तन है, क्यों नहीं मनाने दिए जाते, क्या तकलीफ है? सब जात को सब धर्म मनाया जाता है, हिंदू को क्यों नहीं मनाने दिए जाता है, क्या तकलीफ है उनको?